नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल उडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर देखिए मैनपुरी से। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, बड़ी खबर मैनपुरी से। पत्नी व उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था पति ने। वहीं घटना के बाद पत्नी और उसका प्रेमी मौके से फरार है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैनपुरी से, मृतक सुमित उर्फ भोले का शव पोस्टमार्टम को भेजा है। मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके यदुवंश नगर की ये घटना है, जहां पर इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। बता दें कि पत्नी ने अपने ही पति की प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर डाली। दोनों मौके से फरार हैं। पुलिस पहुंची हुई है, घटना की जांच पड़ताल कर रही है। मृतक सुमित उर्फ भोले का शव पोस्टमार्टम को भेजा है। खास रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाता आमिर अली के साथ। ये जो सुमित कुमार जी हैं, क्या घटना, कैसे क्या हो गई? ये सुमित कुमार पत्नी से पहले इनका अलग अलग रहे काफी दिन तक, उसके बाद समझौता हुआ। पत्नी दूसरे के साथ जाने को तैयार थी, फिर वो समझौता हो गया। समझौता होने के बाद घर ले आए, घर पत्नी रही नहीं, मैनपुरी में आके किराए पे कमरा लिया। कमरा लेने के बाद दो साल हुए होंगे, डेढ़ हुआ हो लगभग। उसके बाद पत्नी के अवैध संबंध यहाँ हो गए, किससे हैं किससे नहीं, वो लड़का ड्राइवरी करता है, ट्रक ड्राइवर। ड्राइवरी करके शाम को जब आया है वो, तो एक लड़का कोई है, क्या नाम, विपिन कुमार नाम का लड़का बताया गया। जब शाम को हम लोग आए तो ये और दो आपत्ति स्थिति में उस कमरे में थे, और उसने जब देख लिया तो इनने उसका मर्डर, दोनों ने मिल के या और हो कोई साथ बुलाया हो उसके साथ मर्डर कर दिया। उसे निकाल के नीचे ले आए, तब तक हम लोगों को सूचना मिली। हमारे गांव में एक प्रोग्राम था, कार्यक्रम 13वीं का, उसमें हम लोग व्यस्त थे, समझ नहीं पाए, घंटे दो घंटे में समझे। जब हम लोग वहां से आए तो ये मोटरसाइकिल पे उसे रख के और ले जाने के लिए तैयार थे। जब हम लोग आए और ये विपिन कुमार भाग गया, और ये लेडीज ने एक देर रुकी, हम लोग तो उसे ले के यहाँ आए, तब तक लेडीज भी गायब है। तो क्या लग रहा है, पूर्ण रूप से हत्या हुई है? पूर्ण रूप से हत्या साहब।